और जल्दी जल्दी या कार्रवाई करें पुलिस तो बहुत बढ़िया रह जाए, नहीं आगे और भी कुछ बकवाल हो सके। और बताओ भाई, और आ जाओ जी। एक ही गोत के हैं और एक ही गांव के हैं, बहन भाई हुए तो शादी मुमकिन नहीं हो सकती। मेरा नाम ओम प्रकाश है, गांव तिगरा है। हाँ जी, थाना परिसर के बाहर बैठे हैं, क्यों आपने दरी बिछाई है, क्या कारण है, क्या मांग है आपकी, किस लिए आप आज थाने आए हैं? जी, हमारे गांव के दो बच्चे, लड़की और लड़का चले गए। अच्छा, और दो तीन दिन हो गए। हाँ जी, कोई मतलब ना पुलिस कार्रवाई कर रही ना, और तो आप अभी अंदर मिल के आए हैं थाने में, क्या कुछ कह रहे हो? पुलिस क्या कह रही है? वो कह रहे हैं बाहर बैठो। अच्छा, शादी कितने दिन हो गए बच्चों को घर से निकले? हो गए आज, दिन हो गए आज, तीन दिन हो गए। मैं राकेश कुमार, गांव तिगरा। हम गांव से 50-60 आदमी आए हैं, हमारे गांव से दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की गायब हैं, जो घर से कुछ रुपये भी लेके गए हैं, लड़की लड़की के घर से, लड़के ने लड़की को बहका कर गला फुसरा करके वो ले गया। और अब यहाँ थाने में तीन दिन हो गए हम चक्कर काटते हुए, अब ये कहते हैं बाहर बैठो, बाहर बैठो। अब जबकि हमें से इतने लोग परेशान हो रहे हैं तीन दिन से, और ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और कह रहे हैं कि उन्होंने शादी कर। विकास, आप आज जो तिगरा के लोग यहाँ आए हुए हैं और आपकी मौजूदगी भी है, क्या पूरा मामला है आप बताएं? तिगरा गांव से एक लड़का और लड़की जो है घर से गायब है पिछले दो दिन से। लड़की के पिताजी से बात हुई थी, उसने बताया मेरे को कि जो है ना वो लड़की दो दिन से गायब है, तो इन्होंने गुमशुदगी की शिकायत दी थी। और फिर कल जब घर में छानबीन की तो पता लगा कि घर से पैसे और कुछ आभूषण भी गायब है, तो उसके लेके गांव वाले आए हुए हैं कि वो लड़की भी अभी नहीं मिली है, और जो घर से सामान गायब है, पैसा कैश और जो टूम गायब है, उनकी भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए आए हुए। अभी मेरी लड़के के चाचे से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो लड़की को, जो लड़का गाँव का लड़का है प्रमोद, वो बहला फुसला कर ले गया। हाँ जी सर, मेरा नाम रमेश यादव, गांव तिगरा से, और हमारा गांव से बुजुर्ग और आदमी आए हैं 100-150। वो इसलिए आए हैं कि हमारे गांव की लड़की और गांव का ही लड़का दो तीन दिन, पिछले दो तीन दिनों से गायब हैं। लड़की को बहला फुसरा कर लेके गए हैं, और लड़की के पिताजी का कहना है कि लड़की घर से कुछ गहने और रुपए भी लेके गई हैं, और दोनों जी एक ही गोद के हैं और एक ही गांव के हैं, बहन भाई हुए तो शादी मुमकिन नहीं हो सकती। और हम इसलिए बैठे हैं जी, पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट है, प्रशासन से है, कि यहाँ हमको मिलवाया जाए, उनको बरामद किया जाए। जी, नाम सुनील कुमार है, मैं गांव की ग्रास हूँ। जो रवीना है वो मेरी सिस्टर है, यहाँ से घर से निकली है, उन लड़कों के बहकावे से उसे बहला फुसला के लेके गए हैं, घर से कुछ पैसे उसको बोल के घर से चोरी करवा के लेके गए, टूम लेके गए हैं। यहाँ पे थाना में आए, दो तीन दिन हो गए उनको गायब हुए, अप्लीकेशन जिस दिन निकले थे उसी दिन सुबह लिखवा दी गई थी, उसके बावजूद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे आते हैं चोरी में, क्या चोरी में एक लाख रुपये थे कुछ टूम की, ठीक है, उन लड़कों ने बहला फुसला के लेके गए हैं। एक लाख रुपए कैश थे और बाकी टूम थी। तो अब आप यहाँ धरने पे बैठे हैं? अब यहाँ धरने के ऊपर बैठे हैं हम, थाना के जब तक जारी रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। एक इंसाफ चाहते हैं? हमको इंसाफ ही चाहते हैं, लड़का लड़की को बरामद किया जाए, हमारा लड़की को हमको पहुँचाई जाए। बिल्कुल जी, तीन दिन से हमारे बच्ची, एक लड़का बहला कर गाँव का ही लेगा, और रात तक बरामद नहीं हुई जी। अगर जब तक नहीं होगी हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहेंगे थाना के सामने, और पैसे भी ले गए और कुछ जेरा होती बता रहे हैं जी उनके माँ बाप। और जल्दी जल्दी या कार्रवाई करें पुलिस तो बहुत बढ़िया रह जाए, नहीं आगे और भी कुछ बकवाल हो सके। और बताओ भाई, और आ जाओ। मैं जी सुनील कुमार, गांव तिगरा से हूँ। हमारे गांव की लड़की को हमारे गांव का लड़का बहला फुसला के दो तीन दिन से लेके भाग चुका, और घर से कुछ जेवर वगैरह भी लेके गया है, और पुलिस भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम यहीं बैठे हैं। जानकारी मिली है उन दोनों ने शादी कर ली है? जी जानकारी, शादी कर भी ली है तो जी गैर सामाजिक, गैर गैर कानूनी है, एक ही गोत के हैं और एक ही गांव के हैं। मैं अजय कुमार, नंबरदार, गांव तिगरा से। हमारे गांव के एक लड़का और लड़की तीन दिन से गायब है, पुलिस को हमने उसी रात को सूचना दे दी थी, उसी दिन से पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
पुलिस तो कह रही है मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई तो नहीं कर रहे, मामला तो दर्ज कर लिया है, बरामद नहीं कर रहे, बरामद उनको अभी तक बराबर नहीं कर रहे। और हमें सूचना मिली है कि वो लड़की घर से पैसे लेके गई है। अगला कदम क्या है? अगला कदम है हम पुलिस को आयोग का इंतजार कर रहे हैं, उसका जवाब लेंगे, फिर उसके बाद अगली कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। लड़की बताओ बोल रहे हो तिगरा से, जो छोटा भाई की लड़की है, गांव का लड़का, तो उसको पहला फसला फिर भगा लेगा।